ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया था क्वेश्चन थ्री का थर्ड, ठीक है। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन थ्री का फोर्थ, वो था गिव टू एविडेंसेस फॉर प्रेजेंस ऑफ फॉर्माइल ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, कौन से ग्रुप के लिए एविडेंस देना है? फॉर्माइल ग्रुप के लिए, फॉर्माइल ग्रुप इन ग्लूकोज। ओके, फॉर्माइल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप, अर्ली हेड ग्रुप। किसमें? इन ग्लूकोज में, ग्लूकोज में अर्ली हाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसका दो एविडेंस देना है। ठीक है, अब देखो, अब इसके दो एविडेंस एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो, सबसे पहले तो ग्लूकोज लिख लो। ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं? अगर शॉर्टकट में ग्लूकोज को लिखना है तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे आ जाएगा CHOH, चार बार रिपीट होता है, 4 times, और लास्ट में रहेगा CH2OH। ये शॉर्टकट में ग्लूकोज को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अभी अगर इसका ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में तुम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हो, किसके प्रेजेंस में? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन तुम लोग करवाते हो, तुमको पता होना चाहिए ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? जो एल्डिहाइड है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और फर्दर एल्डिहाइड तो आगे कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर यही एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आगे वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती। बस जो ओरिजिनली एल्डिहाइड फॉर्म में प्रेजेंट है वो फाइनली एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, एक सिंपल सी चीज़ तुमको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का रूल। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा चीज़ क्या बोलता है? अगर 1 degree अल्कोहल है, 1 degree OH है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तुम लोग, 1 degree OH का ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो ये एल्डिहाइड देगा, ये एल्डिहाइड देगा। और ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो, फर्दर ऑक्सीडेशन, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 1 degree अल्कोहल को एल्डिहाइड में नहीं कर सकता। और 1 degree अल्कोहल आगे एल्डिहाइड में बनेगा नहीं, तो उसका आगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पे आ जाएगा CHOH 4 times, और लास्ट में रहेगा CH2OH। इसका ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, अगर इसका तुम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 के साथ तुम लोग इसका रिएक्शन करवाते हो, तो डाइल्यूट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट करेगा ही, लेकिन 1 degree OH रहेगा उसको भी वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और उसको फाइनली कन्वर्ट करेगा एसिड में। मतलब ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 1 degree अल्कोहल तुमको कहीं पे दिख रहा है? हाँ, ये 1 degree अल्कोहल है। अब ये 1 degree अल्कोहल फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा और सेकेंड स्टेप में एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, नो डाउट, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये CHOH को कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स को कुछ नहीं होगा, और जो लास्ट ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहल का वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। और इसका नाम है सैक्रिक एसिड, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सैक्रिक एसिड। ओके, सैक्रिक एसिड। तो अपने को एविडेंस देना था फॉर्माइल ग्रुप के लिए, दो एविडेंस। तो ये फॉर्माइल ग्रुप का दो एविडेंस मिल गया। अगर इधर फॉर्माइल ग्रुप है तभी तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये एसिड बना, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग के साथ भी कर रहा हूँ तो भी मुझे एसिड ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये दो एविडेंस हो गया फॉर्माइल ग्रुप का। क्लियर है चीज़? ओके, अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि तुमको स्ट्रक्चर्स बनाना है, तुमको नीट क्लियर डायग्राम बोलो या स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, नीट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग, तो कुछ 6-7 दिए हैं, अपन एक एक करके चेक करते हैं। ये एकदम सिंपल पार्ट है, कुछ है नहीं इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है हेवर्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज। ओके, हेवर्थ फॉर्मूला बनाने बोला है, हेवर्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज, हेवर्थ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूको पायरानोस,
लेकिन ग्लूकोपाइरन उसमें अल्फा का पूछा है कि बीटा का पूछा है ये उसने नहीं बताया, तो तुमको इन शॉर्ट दोनों का बनाना पड़ेगा। उसने पूछा नहीं है, उसने बताया नहीं है कि अल्फा का बनाना है कि बीटा का बनाना है, सिर्फ ग्लूकोपाइरेनोस बोला है, ठीक है। और ग्लूकोपाइरेनोस अकेला नहीं होता, या तो अल्फा के साथ होगा या तो बीटा के साथ होगा, ये चीज़ दिमाग में फिट रखना। ग्लूकोपाइरेनोस जो है ये कभी भी सिंपल ग्लूकोपाइरेनोस नहीं होता, ठीक है। ये या तो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस हो, या तो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस होगा या तो बीटा ग्लूकोपाइरेनोस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे माइंड में ऑलवेज रहनी चाहिए कि ग्लूकोपाइरेनोस खाली अकेला ग्लूकोपाइरेनोस के फॉर्म में नहीं मिलेगा, या तो वो मिलेगा तुमको अल्फा डी के फॉर्म में या तो मिलेगा बीटा डी के फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ माइंड में याद रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हेवर्ट फार्मूला। अब जो हेवर्ट फार्मूला है वो तुम लोग को डायरेक्ट बनाने का एक सिंपल ट्रिक अवेलेबल है, तुमको डायरेक्ट बनाना भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं तुमको डिटेल एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो किसका बनाना है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का। सबसे पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, पहला कार्बन। उसके बाद में ये सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, छः कार्बन बना लो। फर्स्ट कार्बन पे सी ओ एच, लास्ट कार्बन पे सी एच टू ओ एच, ठीक है। फिर सेकेंड कार्बन पे ओ एच, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में ओ एच लगाना, ये चीज़ याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तुम्हारा आंसर राइट हो जाएगा। इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, ये नॉर्मल ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा, ये जो लोवेस्ट काइरल कार्बन है, कार्बन नंबर 5, लोवेस्ट काइरल कार्बन और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, अब क्या होगा, अब इसको एसिड के प्रेजेंस में रखोगे, इसको एसिड के प्रेजेंस में रखोगे तो होगा क्या, चेक करना। अब जब इसको एसिड के प्रेजेंस में रखोगे, एच प्लस के प्रेजेंस में रखोगे, तो एच प्लस अटैक करेगा ये ओ के पास, ठीक है। सीधी सी बात है, ये ओ के पास अटैक करेगा क्योंकि इसके पास लोन पर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सी, अब मैं ओ एच लिख देता हूँ राइट साइड, ओ एच, ठीक है, ओ एच में लिख देता हूँ राइट साइड। और ये जो एच है, ये एच को मैं लिखता हूँ लेफ्ट साइड, कार्बन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन लिख दिया। जो फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन है, जो लोवेस्ट काइरल कार्बन का ओ एच ग्रुप का ऑक्सीजन है, ये अटैक करेगा इसके कार्बोनिल सेंटर पे, ठीक है। तो देखो अभी जब ऐसे अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा इसके कार्बोनिल सेंटर पे, तो ये साइक्लिक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो 1 और ये रहा 5, इनके बीच में क्या होगा, एक साइक्लिक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन नंबर 6 को कुछ नहीं हुआ है, सी एच टू ओ एच ऐसा ही है। 2, 3, 4, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का ओ एच जैसा था वैसा, 3, 4 कुछ टच नहीं करना है, जो जैसा था उसको वैसा रख दो, कुछ भी चेंज नहीं करना है खुद से इसमें, ठीक है। ओके अभी बात करते हैं कि सर ये ओ ने तो बॉन्ड बनाया बट ये एच कहाँ चला गया, आपने यहाँ पे एच नहीं लिखा है, ठीक है। अभी ऐसे कैटलिस्ट का काम कर रहा था ना, एच प्लस तुमने खुद से डाला था, तो एच प्लस को रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन डोनेट किया तो यहाँ पे ओ के साथ एच रहेगा और इस पर प्लस रहेगा, तो ओ के प्लस को रिमूव करने के लिए एच माइनस को रिमूव कर दिया, तो फाइनली जो स्ट्रक्चर है वो यही बनेगा, ठीक है। ओके अभी बात करते हैं इसकी, अभी बात करते हैं दूसरा पार्ट, दूसरे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 का जो ओ एच ग्रुप मैंने इस साइड ड्रॉ किया, ये इस साइड भी तो हो सकता था, ये लेफ्ट साइड भी तो हो सकता था, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी भी चेक करते हैं। अगर ओ एच ग्रुप लेफ्ट साइड होता तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता, कुछ ऐसा दिखता, सी ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच एच एंड सी एच, यहाँ पे सी एच टू ओ एच, ओके। ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का, ओके ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ये जो कार्बन 1 है इसको बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, इसको बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, और ये जो ओ एच ग्रुप है इसको बोलेंगे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको बोलेंगे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन कहलाता है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 1, तो ये एनोमेरिक कार्बन, और इसके ऊपर जो ओ एच ग्रुप रहेगा वो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यह एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूको ग्लूकोपाइरानोस, ग्लूकोपाइरानोस।
और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, ग्लूकोपाइरानोस। ये जो तुम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया ये सिंपल स्ट्रक्चर से, ये इसका हैवर्थ नहीं है। मैं तुमको डायरेक्टली हैवर्थ बता सकता था लेकिन वो मतलब नहीं है, चीज़ को समझो बनाना कैसे है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ तुमको हैवर्थ का स्ट्रक्चर। अब हैवर्थ का स्ट्रक्चर ध्यान से समझना क्या करना है। अब सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लेना। बस साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने टाइम याद रखना ये पोजीशन पे ऑक्सीजन होना चाहिए तो तुम्हारा डायग्राम राइट बनेगा, ठीक है। ये पोजीशन पे ऑक्सीजन होना चाहिए तो तुम्हारा डायग्राम राइट बनेगा। फिर नंबर दे दो। अब देखो ये ऑक्सीजन कौन से कार्बन नंबर के बीच है, 1 और 5 के बीच में है। तो ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ठीक है। अब जो भी चीज़ें कार्बन एटम के राइट हैंड साइड है, कार्बन एटम के राइट हैंड साइड है, वो आएगी प्लेन के नीचे। प्लेन के नीचे मतलब अगर ये कार्बन रहा तो ये अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ये कार्बन है ये अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये कार्बन है वो बिलो, ये कार्बन है ऊपर रहेगा तो वो नीचे रहेगा तो बिलो, ये कार्बन है ऊपर रहेगा वो नीचे रहेगा बिलो, ठीक है। तो ये जो कार्बन एटम है 1, ओ एच कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो ये आएगा नीचे बिलो द प्लेन ओ एच, तो एच ऊपर आएगा। सेकेंड कार्बन का देख लो, ओ एच राइट हैंड साइड में है नीचे, एच ऊपर। थर्ड कार्बन का देखो, एच राइट हैंड साइड में तो एच नीचे, और ओ एच लेफ्ट हैंड साइड में तो ओ एच ऊपर। फोर्थ कार्बन का ओ एच राइट हैंड साइड में तो ओ एच नीचे, एच ऊपर। चार कार्बन तक ये चीज़ फॉलो करनी है। फिफ्थ कार्बन का हमेशा फिक्स होता है एच नीचे, एन सी एच टू ओ एच ऊपर, ये चीज़ याद रखना। ये है तुम्हारा हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ग्लूकोपाइरेनोस, ओके। और इसका बनाना है सिमिलरली, बना दो। पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर माइंड में रहना चाहिए, कुछ ऐसा बनेगा। बस बनाते टाइम ये चीज़ याद रखना कि ये पोजीशन पे ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। अभी वही चीज़ रिपीट करनी है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, ओके। अब कार्बन नंबर 1 का राइट हैंड साइड में एच कहाँ है, राइट हैंड साइड में एच, तो एच आएगा नीचे तो ओ एच आएगा ऊपर। सेकंड कार्बन का भी देख लो, ओ एच राइट हैंड साइड में है तो ओ एच नीचे एच ऊपर। कार्बन नंबर 3 का एच राइट हैंड साइड में है, एच नीचे ओ एच ऊपर। कार्बन नंबर 4 का एच राइट हैंड साइड, सॉरी ओ एच राइट हैंड साइड में है तो ओ एच नीचे एच ऊपर। फिफ्थ कार्बन का फिक्स होता है एच नीचे, एन सी एच टू ओ एच ऊपर। तो ये बन गया तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, ये बन गया बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, क्लियर है चीज। तो ये चीज़ अगर रट्टा मारने जाओगे तो गड़बड़ कर जाओगे, ये चीज़ रट्टा मारने वाली नहीं है, समझने वाली है। समझोगे ये स्ट्रक्चर्स कैसे बने तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना तुम्हारे बस की बात, एकदम चुटकियों वाली बात है, ठीक है, समझ गए ये चीज़। तो अगर हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अगर ओ एच बिलो द प्लेन है तो अल्फा, और ओ एच अबो द प्लेन है तो बीटा, क्लियर है चीज़, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कट है। एक बार वापस से देख लो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा ये चीज़ में, ठीक है। एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने करके बताया ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है ज्यूटर आयन, ओके। ज्यूटर आयन तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ज्यूटर आयन तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला है स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन क्या होता है मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया था, ठीक है। ज्यूटर आयन मतलब ये अल्फा अमीनो एसिड का है। अब डायरेक्टली ज्यूटर आयन बनाने से बेटर है पहले अल्फा अमीनो एसिड बनाओ। तो ये रहा एसिड सी ओ एच, ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप रहेगा, NH2, तभी तो इसको अल्फा अमीनो बोलते हैं, ठीक है। ये रहा R एंड ये रहा H, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब इससे ज्यूटर आयन बना है। ज्यूटर आयन कैसा होता है, ज्यूटर आयन होता है वो कैसा होता है, अब ये जो एसिड है, एसिड का H प्लस यहाँ पर ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट एसिडिक है, ये वाला पार्ट बेसिक है। तो ये क्या करेगा, H3N नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इधर आ जाएगा CHR, ये हो जाएगा COO, और O पे माइनस क्योंकि H प्लस के फॉर्म में निकला है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना ज्यूटर आयन का, या तो इसको डायपोलर आयन भी बोलते हैं,
आयन भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, एकदम सिंपल चीज़ है, तो ये समझ में आ गई, एकदम क्लियर कट एंड छोटी सी चीज़ है। ओके, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।